नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं किसी फिल्म नाम चेहरे कैसे गाने ट्रेलर फिल्म का आईना जो होते हैं उनके दर्शक जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट के जरिए, अपने व्यू के जरिए और अपने प्यार के जरिए, और उसी प्यार को हम अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आपके लिए आते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल गाने का आईना जिसे राकेश मिश्रा ने गाया है। राकेश मिश्रा का वो बोलबम गाना जिस पर इन दिनों सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, तभी से सभी ने राकेश मिश्रा के हर गानों पर अपनी नज़रें तीखी कर ली हैं। और इस गाने के सिंगर राकेश मिश्रा हैं और हनी भी हैं, यानी डेब्यूट सॉन्ग था। और राकेश मिश्रा, नीलम दुबे, आर के गोस्वामी, संगीता दुबे, मुस्कान गुप्ता फीट हैं इनके, और एल्बम है कमरिया चले हौले हौले, और म्यूज़िक है रजनीश मिश्रा का, लिरिक्स सुमित सिंह चंद्रवर्सी ने दिया है। तो इस गाने का वीडियो सॉन्ग अभी रिलीज़ हुआ है जिसे अभी ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जितने भी लोगों ने देखा है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो पहले हम इस गाने के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इस गाने के कुछ आलोचकों के कमेंट और कुछ सकारात्मक कमेंट बताएंगे। तो अभी आप लोग देखिए राकेश मिश्रा के इस बोलबम गीत से जुड़ी ये खास खबर, देखिए। भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा ने बाकी सिंगरों की तरह इस बार खूब सारी तैयारियां की थी सावन में अपने बोलबम गीतों के जरिए छा जाने की, लेकिन अफसोस इस बार उन्हें अपना बोलबम गीत गाना पड़ गया है भारी। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बोलबम का एक गीत निकाला जिसके बोल थे दरदिया भइल बा ए राजा। इस गाने का पहले वीडियो सॉन्ग रिलीज किया गया जिस पर कई दर्शकों ने अपना आक्रोश प्रकट किया, और इस स्थिति को देखते हुए इस गाने का वीडियो YouTube से हटाकर ऑडियो सॉन्ग के रूप में रिलीज किया गया सिर्फ एक दिन पहले, जिस पर आरा बक्सर के ही एक युवक ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। केस करने वाले शख्स का नाम है आशुतोष दुबे, जिन्होंने व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत मुख्य न्यायिक के समक्ष केस कर दिया है। राकेश मिश्रा के अलावा इनके चैनल और गाने के लेखक पर भी कार्यवाही करने की बात सामने आई है। वेल, फिलहाल जिस शख्स ने राकेश मिश्रा पर केस किया है उन्होंने बाकी के भी अश्लील गीतों पर शिकंजा कसने की बात पुलिस को कही है। अब देखना ऐसे में बाकी है कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्यवाही करती है। स्टार्ट योर करियर विद अस। अभी इस गाने को ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना है, सिर्फ 3,000 लोगों ने सुना है, लेकिन इसका वीडियो सॉन्ग कुछ समय पहले आ गया था जिसे कई लाख लोगों ने सुन लिया था। फिर बाद में इस वीडियो सॉन्ग को हटाकर ऑडियो सॉन्ग रिलीज़ किया गया और जिसे काफ़ी सारे लोगों ने देखा, और जिन भी लोगों ने देखा उन्हें ये गाना पसंद आया, और पसंद आया तो उन लोगों ने कैसे कमेंट किए और किस तरह से अपना प्यार बरसाया है कमेंट के जरिए, देखिए। पहला कमेंट है बाघों की नगरी बक्सर का, जो लिखते हैं क्या कुछ आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। इन्होंने गालियां लिखी उन दर्शकों के लिए जिन्हें राकेश मिश्रा का गाना पसंद नहीं आया था, यानी इन्हें राकेश का वो गाना इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि इस गाने का विरोध करने वाले लोगों को पर इनका गुस्सा फूटा है, और इन्होंने किंग ऑफ भोजपुरी बताया है राकेश मिश्रा को। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें राकेश मिश्रा के गाने पसंद आते हैं। अगला कमेंट अखिलेश का है, जो लिखते हैं सुपर वॉइस ऑफ राकेश मिश्रा जी, यानी इन्हें भी राकेश मिश्रा का ये गाना बहुत पसंद आया है क्योंकि राकेश मिश्रा की वॉइस इन्हें अच्छी लगती है। अगला कमेंट रंजन रिक्सी का है, जो लिखते हैं सुपर वॉइस राकेश भैया जी, यानी इन्हें भी राकेश की आवाज में गाया हुआ ये गाना खासा पसंद आया है। अगला कमेंट विशाल शर्मा का है, जो लिखते हैं सुपर सॉन्ग भैया लव यू, यानी इन्हें भी राकेश का ये गाना खासा पसंद आया है। अगला कमेंट शंकर साहनी का है, जो लिखते हैं सुपर राकेश मिश्राज एंड हनी बी, यानी इन्हें राकेश मिश्रा और हनी दोनों का गाना बहुत पसंद आया है। अगला कमेंट साहिल राज का है, जो लिखते हैं ये वीडियो सही है, यानी इन्हें जो दोबारा हाल ही में रिलीज हुआ है इस गाने का वीडियो सॉन्ग वो खासा पसंद आया है। अगला कमेंट सुनील प्रेमी का है, जो लिखते हैं कुछ ठीक है राकेश जी, इन्हें भी अब पहले के मुताबिक ये जो नया वीडियो रिलीज हुआ वो खासा पसंद आया है। अगला कमेंट अमित कुमार का है, वो लिखते हैं सही है भाई खेसारी और सिंगर बोलबम का टेम्पो से और पता नहीं क्या क्या गाते हैं, आपने अच्छा है डांस किया, केवल बोलना है तो सबको बोलो समझे एक को नहीं, मस्त ट्यून है, यानी इन्हें भी राकेश मिश्रा का ये गाना पसंद आया है, लेकिन इनका गुस्सा भी उन लोगों का पर निकला है जिसने राकेश के इस गाने को अच्छा या बेकार बताया था।
अगला कमेंट एच के एंटरटेनमेंट का है, जो लिखते हैं सो सुपर हिट है भैया, हर हर महादेव बम बम भोला, यानी इन्हें भी ये गाना खासा पसंद आया है। तो जितने अच्छे अच्छे कमेंट, जितने प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों ने अभी देखे हैं, उतने ही डेंजरस और उतने ही आलोचना भरे कमेंट, उतना ही लोगों का गुस्सा इस एल्बम पर निकला है। और लोगों ने उस गुस्से को अपने कमेंट में कैसे निकाला है और किस तरह से कमेंट किया है, देखिए। पहला कमेंट है कोर्था का, जो लिखते हैं अना खुद का गाया करो, दूसरे का कॉपी काहे करते हो, यानी इन्हें भी यही परेशानी है कि राकेश मिश्रा ये खुद का गाना नहीं है, जबकि ये गाना खुद से उनके राइटर ने लिखा है और खुद से इन्होंने गाया है। अगला कमेंट मुन्ना कुमार का है, जो लिखते हैं भाई भक्ति सॉन्ग तो सही पर वीडियो इसका सही नहीं होगा मुझे लगता है, यानी इन्हें भी बाकियों की तरह वीडियो से परेशानी थी। गाना एक पल को किसी को भा भी जाता, लेकिन उस वीडियो से इन्हें परेशानी थी जो पहले रिलीज किया गया था, और इसलिए इन्होंने ये कमेंट किया है। अगला कमेंट अनीश यादव का है, जिनका गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़का, और इन्होंने क्या कमेंट किया आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, हम बोल नहीं सकते लेकिन आप लोग देख सकते हैं। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, जो लिखते हैं हिट होके के चक्कर में तोहने के धर्मो नहीं खे चिन्हात, एकर वीडियो अपलोड ना हो काहे के चाहिए, यानी इन्हें भी यही लगता है कि ये वीडियो धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है और ये चाहते हैं कि इसका वीडियो अपलोड नहीं होना चाहिए। अगला कमेंट अवध किशोर का है, जो लिखते हैं राकेश भैया यू आर वेरी गुड सिंगर, आई लिसन टू यू ऑलवेज, बट दिस सॉन्ग क्रॉसिंग लिमिट भक्ति, यानी इन्हें भी इसी बात से परेशानी है कि राकेश मिश्रा ने ऐसे भक्तिमय गाने में ऐसे डांस का या ऐसे वीडियो का प्रयोग क्यों किया है, और इसलिए इन्होंने ये कमेंट किया है। हालांकि ये राकेश मिश्रा के गानों के फैन हैं और हमेशा राकेश मिश्रा को सुनते हैं, लेकिन ये गाना इन्हें पसंद नहीं आया। अगला कमेंट डीजे अभिषेक का है, जो लिखते हैं इसका वीडियो कैसे बनाया है बे, अगर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया तो क्या कुछ आगे इन्होंने गालियों के साथ लिखा है आप लोग पढ़ पा रही होंगे, हम बोल नहीं सकते लेकिन आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने कमेंट में लिखा है कि ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं आनी चाहिए, यानी इन्हें भी ये वीडियो पसंद नहीं आया है। अगला कमेंट अमरेंद्र कुमार का है, जो लिखते हैं शर्म करो गायक कहे जाने वाले इंसान रूपी जानवर, थोड़ा भी सेंस नहीं है क्या गाना चाहिए, यानी इन्हें भी इस वीडियो से परेशानी है, इन्हें भी वीडियो की वजह से ये गाना चुप गया, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा कमेंट किया है। अगला कमेंट बुलेट सिंह का है, जो लिखते हैं जा हो तोहरा से ही उम्मीद ना रहल हो, तू सब गायक से मिल गईले, यानी इन्हें भी राकेश मिश्रा के गाने बहुत पसंद थे पहले से, लेकिन ऐसे गाने की उम्मीद और ऐसे वीडियो की उम्मीद इनको नहीं थी, लेकिन जब सामने आया तो निराश होकर इन्होंने ये कमेंट किया है। अगला कमेंट देवराज का है, जो लिखते हैं ये गाना डिलीट कर बो भैया अच्छा नहीं है, यानी इन्हें भी इस गाने से परेशानी थी वीडियो सॉन्ग से, और इन्होंने भी यही बोला कि इस गाने को डिलीट कर दो। अगला कमेंट रोहित राजा का है, जो लिखते हैं तुमसे अच्छा हम गाते हैं, यानी इन्हें भी राकेश मिश्रा का ये गाना कुछ ज़्यादा और ख़ास पसंद नहीं आया, और इन्होंने तो अपना ही यहाँ पर जिक्र करके बता दिया है कि आपसे अच्छा तो हम गाते हैं, यानी राकेश मिश्रा की आवाज़ में गाया हुआ उन्हें ये गाना पसंद ही नहीं आया। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। तो आज हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसे कमेंट से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल दर्शक ही जज करते हैं, अगर अच्छा होगा तो अच्छा ही बताएंगे, अगर नहीं होगा तो उन्हें बोलने से कौन रोक सकता है भला, क्योंकि आप लोग दर्शक के लिए ही गाते हैं, दर्शकों के लिए ही फिल्म बनाते हैं, अब जब उन्हें ही रास ना आए तो शायद वो अपने गुस्सा तो ज़रूर निकालेंगे ही। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और सितारे, नाम, फिल्म, गाने, ट्रेलर का आईना लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।